हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्याज के पकोड़े विदाउट वाटर, बिल्कुल भी पानी उसमें नहीं डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो तीन प्याज लिए हैं, इसे कैसे कट करते हैं बताती हूँ। इस तरह से हम इसे कट करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस हमें करना है इसके। इस तरह हम, और इस स्लाइसेस को हम ऐसे चूर देंगे इस तरह से। इस तरह मैं दो तीन कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने तीन चार प्याज, आपको जितना चाहिए, जितने लोग हैं उनके हिसाब से आप करिएगा। इस तरह इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इसे हाथ से ही आपको चूरना पड़ेगा। इस तरह से, इस तरह से हमारे हाथों की जो गर्मी होती है इससे इसमें पानी छूटेगा। इस तरह से अब दो मिनट आप अच्छे से इसे चूर लो। उससे क्या होगा, सब पेटल्स जो है अलग अलग हो जाएंगे प्याज के इस तरह, और सब जगह लग जाएगा नमक इस तरह से। अब इसमें हम अजवाइन थोड़ी सी इस तरह से डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली हुई है, थोड़ी सी डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और एक कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा हाथ से ही इसे तोड़ के इस तरह हम कड़ी पत्ते को डालेंगे, इससे अच्छी बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और इसे अभी हाथों से नहीं करना है, नहीं तो हाथ जलने लगेंगे। अभी इसे हम इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स करके इसे 20 मिनट तक हम रख देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, अच्छे से पानी छूटेगा प्याज को। इसे हम 20 मिनट तक रख देते हैं, और जितना इसमें पानी छूटेगा उतना ही हम इसमें बेसन डालेंगे। तो इसे अभी हम 20 मिनट तक रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, प्याज में सब अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और इसे हाथ से ही करेंगे, जैसे बेसन लगता है वैसे ही लेना पड़ेगा। इस तरह से बहुत अच्छे से पानी छूट गया है इसमें, क्योंकि हमने हाथ से इसे किया था। हमारे हाथों की जो गर्मी होती है उसी से ये बहुत प्रॉपरली हो जाता है। थोड़ा सा और बेसन मैं इसमें डालूंगी। इस तरह से अभी हम इसे तल लेते हैं। इस तरह से ज्यादा हमें बेसन डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा तेल में डाल के देखते हैं प्रॉपरली हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। अच्छे से हो गया है, हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे ऐसा। आप वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। बिल्कुल बाहर जैसे ये होते हैं,
खाने में भी बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं ये। थोड़ा मैं गैस अभी कम कर रही हूँ, अभी एक एक करके पलट लेते हैं। इसे आप जरूर बना के देखिए, क्योंकि प्याज हमारे घर में ही होता है। अब कम गैस पे हम इसे तलेंगे। तलने के भी एक टेक्निक होती है। अभी थोड़ा गैस में बढ़ा कर रही हूँ। अब ये हो गए हैं, अब हम इसे निकाल देते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।